ये सरकार का बड़ा गैर जिम्मेदाराना रवैया है। एक सरकार का मिनिस्टर कहता है कि प्रोटेस्टर्स को या स्टोन पेल्टर्स को गोली से जवाब देना चाहिए, जबकि हम समझते हैं हालात को खराब करने का अगर कोई जिम्मेदार है तो मौजूदा सरकार है, इनके मिनिस्टर्स हैं। आज चंद्रप्रकाश गंगा जो एक मिनिस्टर हैं, वो जब कहते हैं कि गोली मारो लड़कों को जो पत्थरबाज है, आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात खराब करने की जिम्मेदारी किन पे आती है। हमारा यही मुतालबा है सरकार से, अभी भी संभलो आप, खासतौर पर चीफ मिनिस्टर से, महबूबा मुफ्ती से, उनको अब तो समझदारी से काम लेना चाहिए और समझना चाहिए उनको क्या बयाना देने चाहिए, जिससे पब्लिक आउटरेज ना हो जाए, जिससे पब्लिक गुस्सा ना हो जाए और हालात मामूल पे आ जाए। इन बयानात से सरकार की गैर जिम्मेदाराना शख्सियत का और उनके बचपने का मुजाहरा होता है और कश्मीर दुश्मन होने का मुजाहरा होता है। हमारी सरकार से अपील है कि हालात ज्यादा खराब होने से पहले वो समझे और यहाँ के लोगों की आवाज समझे, यहाँ के यूथ की आवाज समझे, यहाँ के बच्चे बुजुर्ग औरतों की आवाज समझे, वो क्या चाहते हैं, वो बातचीत चाहते हैं, वो बातचीत से ही हल चाहते हैं यहाँ का, और वो अमन पसंद है और वो चाहते हैं उनसे बातचीत हो जाए। हमारा यही मुतालबा सरकार से, स्टूडेंट्स को लेके हो या कश्मीर को लेके हो, हमारा सब छोटे बड़े स्टूडेंट्स या स्टूडेंट पेल्टर्स को लेके, हम स्टूडेंट पेल्टर्स को सपोर्ट नहीं करते हैं लेकिन हम उनकी रिहेबिलिटेशन और उनसे बातचीत को सपोर्ट करते हैं। एक तरीका है, उनको मेन स्ट्रीम में लाया जा सकता है, उनसे बातचीत की जा सकती है और उनको समझाया जा सकता है कि हमें क्या करना चाहिए। कश्मीर के रेजोल्यूशन और सॉल्यूशन की बात सब करते हैं, हम उनसे बात कर सकते हैं, लेकिन जब आप गोली बोलते हैं, गोली से आप उनको ज्यादा एग्रीगेट करते हैं और हालात खराब करते हैं।